बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है वो है शादियों के ऊपर। मिस मैच शादियां हो जाती हैं, आपको सही मैच मेकर नहीं मिलते कि किन के थ्रू आपने सही वाला रिश्ता लेकर जाना है, किसके पास लेके जाना है। सही शादी कराने वाले लोग नहीं आपको समझ आते कभी। कोई ऐसे रिश्ते जहाँ पर आप करवाना चाहते हैं अपनी बेटियों के, मगर आप उनको बोलते हुए बड़ा हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। मैंने अमूमन देखा है गली मोहल्ले में, जब कोई घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो किसी पड़ोसी के बुज़ुर्ग के साथ वॉक करते हुए मस्जिद जा रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनके घर में जो इनका बेटा है जो बड़ा होनहार है, जब वो अंकल गली से गुजर रहे हो तो उनका शॉपर भी सामान का जो है ना पकड़ के उनको घर तक छोड़ता है। अब उनको वो अच्छा भी लगता है और वो चाहते भी हैं कि इनके वालिद को मैं जानता हूँ, हम साथ मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और हमारा जो है टाकरा भी रहता है, और मैं इनके घर वालों को भी जानता हूँ, मगर मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात किस तरह करूँ। इस तरह ऐसे बहुत सारे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और हमें सही टाइम का पता नहीं चलता, और हम अपनी शर्मिंदगी में और अपने लहजे में बस जो है ना वो पुख्तगी नहीं ला सकते कि जिसमें हम एक कॉन्फिडेंस लाएं और वो बात कर दें कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करना चाहते हैं, अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है। ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं। फिर दूसरा मसला क्या मेन आ जाता है कि शादी होते होते रुक जाती है, मंगनी हुई भी है मगर उसके बावजूद जो मंगनी के बाद 4 साल 6 साल 5 साल गुजर गए मगर आगे शादी नहीं हो रही, लड़की घर बैठी हुई है मंगनी करके, बात पक्की करके। वो कहते हैं ना कि अगर मैंने किसी दुकान से जाके सामान लेना है, मैंने उस सामान में जो सामान के लिए जाके एडवांस रखवा दिया और मैंने कहा ये सामान मेरा, मैं आके ले जाऊँगी, मगर वो सामान मैंने 3 महीने में 2 महीने में लेके जाना है या कुछ दिनों में, मगर अगर मैं उसको 4 साल 3 साल 7 साल लगा दूँ तो क्या सामान वो मेरा फिर भी रहेगा। और उस इंतज़ार में बेचारी इस तरह लड़कियां बैठी रहती हैं कि अभी वो आएंगे तो अब ब्याह के ले जाएंगे, इंतजार में भी बैठी रहती हैं। अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं, पढ़ाई की आगे उनकी रुकावटें शुरू हो जाती हैं, पढ़ नहीं पाती, और भी बहुत से ऐसे मसले होते हैं कि जादू जब अगर किसी के ऊपर कर दिया जाए तो रिश्ते आगे पक्के नहीं होते, लड़कियों के घर नहीं बसते या बसते टूट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और आज एक ऐसे कपल से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, बल्कि अभी मैं करवाती हूँ आपकी मुलाकात, कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम जिस तरह के हैं उसी तरीके का आगे रिश्ता देखें। लड़का अगर है लंबा है तो लंबा लड़का कहता है भाई मेरे लिए लड़की भी आगे से वैसी हो कि टॉल हो, जितनी मैं टॉल हूँ लड़की भी आगे से उतनी लंबी होनी चाहिए। बहुत से घरों में रिश्ते इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि हमारा लड़का तो लंबा है तो लड़की की कद इतना बड़ा नहीं था तो हम इससे शादी नहीं करा सकते, सबको पता है। इसी तरह लड़कियों में भी होता है कि अगर लड़की इनकी जो है कदो काट से बड़ी है तो फिर वो किसी छोटे कद के लड़के से शादी नहीं कर सकती। मगर ये जो अभी मैं जिससे आपको मिलवाने जा रही हूँ, इनका जो कद है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो मिसमैच लगेगा। मगर जब मैं आपका यहाँ पर इनके सामने आपको मुलाकात करवाऊँगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं मिसमैच है। इतनी मोहब्बत, इतनी ज़बरदस्त शादी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ केमिस्ट्री, व्हाई नॉट वी कॉल, हम बुलाते हैं यहाँ पर मदीहा और अली को। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, खैरियत से। इधर आ जाएं, अच्छा मदिया को उठाते हैं जरा, मदिया एक मिनट इधर, मदिया उधर से आप पकड़े, इस पे खड़ा करते हैं मदिया को, मदिया खड़ी हो जा, मदिया ओके शाबाश, कोई बात नहीं, जूती पहन के खड़ी हो जा, कुछ नहीं होता, ये तो चीटिंग है ना मेरे, गोद में जाने को नहीं कहा, साथ खड़े होने को कहा, चीटिंग है, फौरन ही ना ऐसे गोदी पे चढ़ जाती होती है, चीटिंग है बहुत बड़ी। ये दिखाना जी, दिखाना है कि ये नीचे लगा हुआ है। नहीं, मैं आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि जरा आपके दिल के पास पास है। अच्छा, ये है मदीहा, और मदीहा जो है वो इनकी बेगम है अली की, और वही बात हम जो कह रहे थे कि लोग कहते हैं ना मिसमैच देखने से कुछ नहीं होता, आप यहाँ पे जोड़ी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह की मैचिंग तो हमारे अपने घरों में नहीं होती है, इस तरह की मोहब्बत तो हमारे अपने घरों में नहीं होती है। तो जी सबसे पहले तो आपको ये मैचिंग नहीं, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट है कैसा कंट्रास्ट? मैचिंग तो जैसे हाइट के हिसाब से हाइट होती है, ये कंट्रास्ट है। ये कंट्रास्ट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे मिला, ये क्या रंग वाले दुकान में किसी जगह दुपट्टा रंगवाने के लिए गए थे बहन का, तो वहां पर ये रंग कंट्रास्ट में मिल गया आपको किधर? ये जी एक हादसा हुआ था मेरे साथ। केड़ा? ये हादसा ही है, शादी थोड़ी है, ये हादसा है। मदिया तू क्या हादसा है? पता नहीं ये जी, मैं गलती से जिम करके निकल रहा था, ठीक है, 12-13 साल पहले की बात है, ठीक है। कितने साल के होंगे आप उस वक्त? उस टाइम लगा लेंगे मैं 25 साल का हूँ, और ये जितने साल की भी होंगी उस वक्त भी इतनी ही होगी, इतनी की होगी, इतनी ये नहीं बदली, ये वाकई ऐसा ही है। अच्छा फिर बस ये साड़ी पहन के अपने घर वालों को, साड़ी वाकई ने साड़ी पहनी हुई थी, केड़ी साड़ी थी, लेंथ ये मेरा दुपट्टा है,
दिखाओ मुझे हैं ये जो दुपट्टे का नहीं नहीं आवाज से तो खींचे ना ना चिटेंगे पकड़े ये साड़ी की लेंथ है और ये साड़ी की दुपट्टे के हिसाब से भी साड़ी की लेंथ इतनी है कैसी साड़ी पाके निकली थी इसने एक साड़ी पहनी थी हाँ वो वाकई उसमें ना बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी अच्छा मुझे बहुत अच्छी लगी तो मेरे दिल में आया मैंने कहा यार कितनी खूबसूरत है मैं इसके पीछे पीछे इसके खूबसूरत तो है फिर इसका घर देखा तो जब इसकी वालदा से बात की गई अच्छा अगर ये साड़ी ना पहनी होती और अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी और अगर इसी होलिया में होती तो आपने ये कहना था कि नहीं ये वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी थी या आज भी मेरे अगर साड़ी ना पहनी होती तो आपको पता ना चलता कि ये बच्ची है मतलब थोड़ी थो सी बड़ी है अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी है ये कि नहीं वैसे तुम्हारी साड़ी का इतना रिश्ता हो गया मैं तो बताऊँ ना पहनी होती तो बच्चा समझ के ना मेरे ही घर में मैं काम में लगा हुआ हूँ और किसी फीमेल को नहीं पता था कि ये इसकी वाइफ है उसको आइडिया नहीं था हाँ। तो वो छोटी हाइट के अपने भाई का रिश्ता भी नहीं आई थी ऐसे भी हुआ है मुझसे कह रही कि भाई की शादी करनी है मैंने अपने बेटे के साथ तो मैंने कहा मैं किसे जाऊंगा कैसे शौहरत तुम बीवी के रिश्ते भी देख रहे हो भाई अच्छा मुझे ये बताओ फिर वो तुम पीछे पीछे गए वो साड़ी में जा रही थी क्या हुआ उसके पीछे दिल तो तुम दे बैठे थे वो इसकी वालदा के पास गया इसकी वालदा ने कहा कि पुत्र की कह रहे हैं तू तो मजाक कर रहे हैं हाँ मैंने कहा नहीं माँ जी मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा मैं तो शादी करना चाहता हूँ हाँ फिर उन्होंने कहा असी उस टाइम बिलीव कराएंगे जब तू अपनी वालदा ने भेजेगा अच्छा फिर मैंने अपनी माँ को बताया मुझे घर से निकाल दिया अम्मी ने घर से निकाल दिया क्यों अम्मी ने क्यों बस वो यही कह रहे थे कि अम्मी से मिलवाया था पहले नहीं नहीं मिलवाया नहीं बताया था कि इतनी हाइट है तो मेरी वालदा कहती ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा हाँ मेरी भाभियाँ तीनों माशाल्लाह आपकी इतनी हाइट है हाँ तो कहती कैसी बात कर रहा है अली तू और तू इसे शादी करेगा तो जिंदगी कैसे गुजारेगा सिस्टर तेरी को है नहीं वैसे भी हाँ तो मैंने कहा ठीक है आप मेरी शादी कर दे अच्छा फिर मंगनी तो लड़ झगड़ के हो गई हाँ जब शादी का वक्त आया तो सब ने घर से निकाल दिया हाय हाय फिर अकेला मंगनी हो गई कितने टाइम रही मंगनी दो साल रही मगर शादी पे कोई राजी नहीं और उन दो सालों में बड़ी शर्तें लगी हैं क्या क्या कि अली छोड़ देगा अली कि खुद से छोड़ देगा करा दो मंगनी अली भाग जाएगा अली अपनाएगा नहीं अली थी छोड़ देगा अली ये कर देगा अली वो है ठीक है तो दुनिया में ऐसे ही होता है लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी बुखारी है अच्छा तो हमने फिर ये तो करना ही था ना ऐसा मामला कि हम हट नहीं सकते थे पीछे ठीक है जो हमने जुबान दे दी थी हाँ। तो फिर मैं अकेला दूल्हा बना हाँ। घर गया और मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुई आज तक किसी दूल्हे के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा अच्छा ये जितनी भी कैमरे मैन है इनसे पूछ रहे हैं इनके साथ अगर ऐसा हुआ है आपने क्या 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 बताओ नीचे मेरा निकाह हुआ है तो मेरी सास ने मुझे कान में आके कहा अपनी बुड्ढी चुके ले आ मैं सोच ये रहा कि यार बीवियों को तो ये कहा जाता है कि अली अपनी बीवी के साथ तू आ ले जा उन्होंने कहा अली उत्ते यार तो बुढ़ी चुके लगी अपनी मैं क्या क्यों माँ जी कहती है वो अन्ना जी ने जो लहंगा पाया है ना वो तो टूर भी नहीं समझी फिर देखो कैसी बात है चावल जो है ना वो रस्म होती है ना हाँ, वो चावल यूं फेंकते चावल फेंकने वाली तो ये मेरे साथ चल रही थी इसके पीछे ना कुछ फीमेल इसकी रिलेटिव खड़ी हुई थी तो चावल तो ऊपर से फेंकने होते हैं ये उनके मुंह पे जिस्म पे मार वो पीछे से इसको कह रहे हैं मदिया अल्लाह के वास्ते बस कर दे इतनी देर मुठियां उठा के हमारे मुंह पे मारी जाती है यार क्या चलो जी इसको तो दारे अंदर आओ बैठो जंप चलो बैठते और उसके बाद जो है ना मजीद बातें करेंगे मगर उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे मदिया एक मिनट आओ ब्रेक तो लो तुम पहले हैं बड़ा तुम टिकटॉक पे भी बैठी हुई होती हो लाइव किस तरह से जब टिकटॉक पे बैठती हो किस तरह की ब्रेक लेती हो तुम्हारा कैमरा है ठीक है इधर तुमने ब्रेक लेनी है ठीक है कैसे ब्रेक लोगी मैं हूँ छोटी मदिया मिलते हैं ब्रेक के बाद यस वेलकम बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा और हमारे पास मौजूद हैं मदिया और अली दोनों की शादी ज़बरदस्त क्या मैच क्या कॉम्बिनेशन क्या केमिस्ट्री अच्छा आपसे भी बात करते हैं ना जरा मदिया मुझे बताएं आपको कैसे पसंद आई ये रिश्ता तो गली मोहल्ले से कोई भी मुंह उठा कर ले आएगा साड़ी आपने पहनी इनके लिए थोड़ी पहनी थी आपने तो अपने लिए पहनी थी आपको क्या पता था पीछे लग जाएंगे घर रिश्ता लेकर आ जाएंगे आपकी तरफ से हामी थी पसंद आ गए थे दिल रह गया था नहीं मेरी तरफ से भी हामी थी तो हामी कैसे हो गई सीन क्या हुआ था जब ये रिश्ता लेकर आए आपकी अम्मी से बात की उस वक्त उससे पहले कोई मुलाकात हो गई थी आपकी गली मोहल्ले में छेड़म खानी की थी इन्होंने कोई
मुलाकात होती थी होती थी। ये बात खुली ना, ये कोई राज की बात है। मुड़ो ये हवेली से बाहर निकालनी है। बताए मुझे कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ हुई थी, पहले कहाँ छेड़ा था, अम्मी के पास आने से पहले कोई मुलाकात तो हुई होगी, इजहार मोहब्बत तो की होगी इस आदमी ने। मम्मी जो है ना, मेरी मामी सास, हाँ, वो हमारी नेबर थी। अच्छा, फिर तो ये वहाँ आते थे। अच्छा, मैं पास आके सुनती हूँ मजे की कहानी। अच्छा, ये वहाँ आते थे, फिर क्या हुआ है, फिर क्या हुआ? इन्होंने फिर क्या नाम है, मैं अचानक गई, हाँ, तो मुझे नहीं पता था वो इनकी मामी निकलेंगी। अच्छा, ये नहीं पता था कि इनकी मामी, ठीक है। तो वो अचानक मैं गई हूँ तो ये आए हैं वहाँ पे, हाँ, तो इन्होंने जब मुझे, मैं इनको देख के एकदम वो हो गई। मैंने कहा ये क्या अली, हाँ, यहाँ पे क्या कर रही है, हाँ, अली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब ये रिश्ता पहले आ चुका था उसके बाद वहाँ पे तुमने देखा? हाँ जी, तुम्हारे दिल में कोई घंटियां बजती थी तेज, शोर शराबा हो रहा था दिल में, छोटे जिने बच्चे रू 6 फुट का बंदा मिल गया, टले बजने घड़ियाल बज रहे होंगे। वो कहती है मैं कई दफा सोई नहीं रात को सोच सोच के कि 6 फुट की हाइट से मेरी शादी हो जाएगी। रियली? और तुम्हें, अच्छा तुम्हें पता था कि इतनी कोई मोहब्बत करने वाला, इतना कोई ख्वार तुम्हारे पीछे भागेगा दौड़ेगा रिश्ते के लिए, जो अपना घर से भी निकाल दिया जाए, फिर भी तुम निकाल दिया? कभी नहीं सोचा था, मुझे तो बल्कि यकीन भी नहीं था मुझसे शादी करेंगे। जादूगर नहीं, ऐसा क्या खिलाया क्या पिलाया मुझे भी पता, सारी देखने वालियों को बता, सबको बता, ये राज की बात है बहन, सबके लिए मदद कर, चल मेरा बच्चा बता दे। मैंने कुछ नहीं, ऐसा क्या जादू किया तुमने मुझे बताओ, है आज है ही मेरा शो जादू पे, मुझे खुद पता नहीं क्या जादू। और जादू वो फिल्म भी जादू, ये भी वो जादू, ये वो छोटा ही जादू है ऋतिक रोशन वाला। आप यकीन करें, तुमने, आपने इसके हाथ का कोई मीठा खाया था? ये तो मुझे नहीं पता, आज भी वैसा ही हूँ मैं। मैंने सुना है मीठे पे जादू करके कोई खिला दे तुम, ये खुद एक लड्डू है। मगर ये वो शादी का लड्डू जो नागा है, पछताते आप? पछताते आप यकीन करें, नहीं मैं इससे नहीं पछता सकता। आप यकीन करें मेरा कैसा खिलौना है, चाहे मैं अपनी शादी की सालगिरह पे ना योम स्याम मनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे भाई को फोन आते हैं, अली शादी की सालगिरह मुबारक, और मैं कहता चुप करो यार, सबने काली पट्टियां आते बांधनी है, आज योम स्याह है मेरा। तो वो बहुत हंसते हैं, यहाँ तक मेरी सास भी हंसती है। अच्छा, वो कहते चल बे चल योम स्याह मेरी ती। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी कर ली, ठीक है, सब कुछ ख्वाहिशें पूरी हो गई जिस तरीके की लड़की तुमने सोची थी, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अच्छी लड़की तुम्हें मिल गई, ठीक है, मतलब देखो ना, मुझे ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं कोई वो नहीं होती, हूर परी जो आपके सामने आती है वो हूर परी होती है। ऐसे ही एक लड़का जब जवान होता है उसके सामने जो उसकी पहली लड़की आती है उससे अगर उसको मोहब्बत हो जाए तो वो उसके लिए हूर परी होती है। आपके लिए हूर परी मदीहा है, मदीहा के लिए हीरो आप है, ऐसे ही? हाँ नहीं, ये तो बात सही है, हमारा घर में भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं वो वक्त नहीं भूलता जब मैं बारात में से उसको ले गया था, और मैंने जाके जिस जगह गाड़ी खड़ी की मैंने ये सोचा कि घर तो बहुत दूर है, इसे अब वहाँ कैसे लेकर जाऊँ। दुनिया बाहर बहुत थी, मैंने अपनी पिटाई खोली, इसको मैंने गाड़ी में से उठाया, लोग देख रहे हैं, हाँ गलियां तंग थी, लोग देख रहे हैं कि दुल्हन को लेके गोद में जा रहा है, मैं इसको लेके निकल गया लोगों के बीच में से, लोग मेरे पीछे पीछे कहीं, यार दुल्हन चुपके लेके जा रही है, दूल्हा किस किस शेप में लेके गए थे, ऐसे लेके गए थे, ऐसे ऐसे ही जाके मैंने जिस रूम में बिठाया, साथ ना कुछ फीमेल्स रहती थी, उन्होंने कहा था अली भाई की शादी आज, हाँ, वो दुल्हन लेकर आएंगे, हाँ, वो कमरे में आके ये छोटी सी बैठी हुई, उन्होंने कहा शायद सरबाला है। यार क्या मजे की स्टोरी तुम्हारी। मैंने कहा ये वाकई मेरी वाइफ है, हाँ, ये कोई सरबाला नहीं है, कुछ नहीं मेरी वाइफ है, हाँ। तो बस ये तुम तो गाड़ी में कहीं अकेले रात को घूम जाओ, इधर उधर घूमने निकल जाओ, तुम तो वार्डन पकड़ ले के भाई तुम बच्चा चोर हो, मुझे किसका बच्चा चोरी करके लेके जाओ, तुम्हारी शक्ल से तो मिलता नहीं है बच्चा, लोग पूछते होंगे तुम्हें पकड़ा है। आप यकीन करें वार्डन ने चमन से वापसी में मुझे पकड़ा भी है। अच्छा। मेरे पास कागजात नहीं थे उस टाइम, सिर्फ मैंने उसको ये कहा यार ये मेरी वाइफ है, उसने छोड़ दिया, उसने ऐसे ही करके हमें भेज दिया। अच्छा जल्दी से बता दो, अब इसकी तुमसे शादी हो गई, इसने घर की खिदमत खाना पकाना ये सारी चीजें आती हैं जैसे एक सुघड़ लड़की, हाँ, में सारी चीजें। एक हादसा हुआ था मेरे साथ छोटा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि वो मामला है। मैंने कहा मदिया आज ना कीमा मटर रोटियां पका ले, आम रूटीन में जो शोहर बीवी को कह देते हैं, इसलिए चलो ठीक है तुम शाम को आना ऑफिस से, हम फिर खाएंगे, ठीक है। मैं आया,
इसने ना खाना तो बनाया हुआ था, जो रोटियां बनाई हुई थी ना वो थी 18। अच्छा, तो 18 में केला खा गया है? इतना बदनाम हुआ खानदान में, दोस्तों में, भाइयों में कि अली 18 रोटियां खा गया। वो 18 रोटियां क्या खानी थी, इतनी सी रोटी थी। ये देखे इतनी सी रोटियां, 18 बुर्कियां बनी। मैंने कहा यार 18 बुर्कियां थी, 18 रोटियां नहीं थी। अच्छा मुझे बताए, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नचाकियां, कोई चीखम चिल्ला, किसका चलती है, किसकी चलती है बताएं? नहीं ये बात जरूर है, जब लड़कियों से पकड़े जाए फिर कभी ये उठा के मारो, मारो ये उठा के। अच्छा आप भी अली के साथ? नहीं 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 नहीं, मुझे पड़ती है मार, मेरी बहन जब यहाँ से पड़ती है तो उधर से बच्चे तो नहीं चाहिए ना जी। नहीं मेरी बहन के होते हुए तुम कैसे देखते हो? इन बातों में मार खा चुका हूँ मैं, एक दफा हाँ खा चुका हूँ। इसकी चपेट तो एक्स्ट्रा बढ़ गई, चपेट चावलों वाले, ये चावल वाले चमड़े में चल जाती है। और वाकई ले आई मुझे मारने के लिए, मैं आगे आगे मेरे पीछे पीछे। क्यों जाके किसकी बहन को छेड़ा तुमने, है किसको छेड़ा तुमने? नहीं नहीं वो उसको गर्लफ्रेंड हो गई थी, वैसे ही कोई मुझे अच्छा लग रहा था मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में वैसे कोई थोड़ा कोई पता लग गया। आप यकीन करें वो आज भी हमारी गली से इसके डर की वजह से नहीं गुजरती, इसी दबंगे कुटाई की उसकी, ये वो जाके तूफान मचा दिया उसके घर में। अच्छा, और मुझे तो तकरीबन 2 दिन ना डर के मारे नींद ही नहीं आई, क्योंकि इसने कसम खाई हुई थी हाँ। अगर तू तो किसी लड़की के साथ पकड़ा गया तो जहर दे के मार दूंगी। मार देगी ऐसी, मैं खाना खाते हुए सोचता था या अल्लाह खैर करी। क्या बात है बहने, वो तो फिर ऐसी हो जो अपने मियाँ को ऐसे काबू में भी रखे। मुझे ये बताइए बच्चे आपके माशाल्लाह है कितने हैं बताएं? मेरी 3 बेटी है माशाल्लाह, माशाल्लाह जो सबसे छोटी है वो भी इससे इतनी है। तीनों बेटियों के हाथ मुझसे लंबी, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, कोई बात नहीं, इंसान में किसी एक चीज की अगर कमी हो जाए, हम में भी कमी है। मैं एक हाथ से टुंडी हूँ, मेरा हाथ जो है ना ये देखो, एक हाथ ये यूं होता है दूसरा नहीं होता, मैं टुंडी हूँ, मगर मेरी फिर भी शादी हुई थी। तो टुंडेपने से या कोई आपके जिस्म का कोई ऐसा औजार काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप डैमेज हो गए या फिर टाइट पीस हो गए या सेकेंड हैंड पीस हो गए। तो कोई मसला नहीं है, हाइट है नहीं है, आप कितनी अच्छी औरत हैं, कितनी अच्छी माँ हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अल्लाह ताला ने आपको देखा रहमतें दी हैं, आपके मियाँ आपको इतने खूबसूरत अच्छे प्यारे से मिल गए, अब आपका वो टेंशन भी नहीं है, बच्चे भी आपके मियाँ के कद के निकल जाएंगे, ठीक है ना। आप प्यारी थी, खूबसूरत थी, और अल्लाह ताला ने देखा आपको कैसे रास्ते खोले आपके लिए, कितना खूबसूरत शौहर बात किया आपने। यकीन करें कि ठीक है, सारा सारा मैं जाता हूँ ऑफिस बादशाह में होता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है इसके नसीब से सरकारी नौकरी मुझे मिली हुई है। और मेरा हाँ तो कोई शक नहीं, हमें औलाद के नसीब से रिस्क नहीं मिलता, हमें मर्द जो है उसको बीवी के नसीब से रिस्क मिलता है, औरत रिस्क लेके आती है, क्या बात है। इसके साथ शादी हुई है, फिर मुझे सरकारी नौकरी मिली है माशाल्लाह, अल्लाह ने तरक्की भी दी, अपने घर में अच्छा भी हूँ। लेकिन कहने का मकसद फिर वही आ गया कि मैं वैसे भी पैगाम देता हूँ, ठीक है मैं शरारती जरूर हूँ, उसके साथ मेरी शरारती होती है, जिंदगी के मामला चलते हैं, इसी वजह से खुश हैं आप दोनों। हाँ शरारती, हम दोनों शरारती हैं, हमारी लड़ाई 12 साल में नहीं हुई माशाल्लाह, क्योंकि वो कहती है कि तू मनु कारो भी कर देगा तो मैं फेज भी नहीं जाना। तो मैं लड़के की करना है माशाल्लाह, होता है ना ख्वाहिश होती है मियाँ की, मेरी बीवी लड़के ब्रीफ केस पकड़े और घर चली जाए तो 4 दिन सुकून के गुजार लो, लेकिन ये नहीं हुआ। या अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि सारे जितने भी मेरे भाई हैं ना वो अली जैसे हों, और अली जैसे जिस तरह से अपनी बेगम को प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी अपनी आगे बेटियों के सामने इतना अच्छा माहौल रखते हैं, सारे जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं ना वो इस तरह के मेंटल लेवल के होने चाहिए, क्योंकि जो जहन है ना वो आपने अपना खोलना है। जब आपका जहनी मिजाज अपनी बेगम के साथ मिलेगा ना तो फिर आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी चलेगी। लड़की काली है, लड़की मोटी है, लड़की छोटी है, बौनी है, लड़की के बाल गंजे हैं, कम बाल हैं सर में, लड़की की जो भी इस तरह की अगर आप उसकी बॉडी शेम या किसी भी तरीके की बात करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने लड़की के अंदर का अच्छा इंसान होना देखना है, उसका किरदार देखना है, उसकी खिदमत देखनी है, उसका सलीका देखना है, उसका रहन सहन देखना है, उसके अपने माँ बाप के साथ का तौर तरीका देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और इसके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर मदीहा और अली की बैठी है। अल्लाह के वास्ते इस तरह का रिश्ता लोगों के सामने किसी के घरों में जाके बेटियाँ देख के उनको रिजेक्ट कर देना, उनको जलील कर देना, और वो लड़कियाँ इस आसरे में बैठी रहती हैं बेचारी अपनी माओं से छुप छुप के या बहनों से पूछ रही होती हैं कि वो जो लड़के वाले देख के कहते हैं उनका फ़ोन नहीं आया, किस तरीके से पूछती हैं। कल को अपने भी घर में आपकी जो बहन बैठी है, जो बेटी बैठी है, उसका भी तो किसी के साथ रिश्ता होना है। इसी तरह जा के घर में उनके नाश्ते खाने खाने और रिजेक्ट करके आ जाना है। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, अपनी जहन को खोलिए और इस तरह से अपनी शादी को लेके चलिए जैसे अली और मदीहा। अल्लाह होना चाहिए आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिश्तों की। किस किस्म के रिश्ते जो है वो आज डिमांड किए जा रहे हैं मार्केट में, किस तरीके की बात होती है, लड़के वाले किस तरीके के रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, लड़की वाले किस तरीके के रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, क्या डिमांड होती है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आज हम इस पर बात करेंगे मिसेस खान से, जो कि मैच मेकर हैं कराची से, बहुत फेमस, लोग बहुत पसंद करते हैं, हर तरीके के लोगों को जानती हैं, हर तरीके के लोगों के हालात जानती हैं, ये डिमांड जानती हैं कि किस तरीके के लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे और किन लोगों की ज़्यादा डिमांड है शादी के लिए। तो हम बात करते हैं मिसेस खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा सब लोग आजकल? माशाल्लाह, मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम भी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकअल्लाह, सब ठीक है, सबकी सेहत भी ठीक है। और थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपके टाइम का, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों के ऊपर, ये जो रिश्ते हैं, एक तो मैं ये कह रही थी कि बड़ा मुश्किल हो गया है लड़कियों की शादियाँ करना, लड़कों के लिए भी ऑल दो मुश्किल है, मगर लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ ज़्यादा इसलिए मुश्किल है क्योंकि लड़कों की तादाद कम है और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर एक लड़का कोई चार शादियाँ करेगा किसी, यू नो, लड़कियों में, तो फिर जाके वो शादियों की काउंटिंग पूरी होती है। तो अब ये जो कमी है, ये जो चीज़ें हैं, क्या इस तरह से फिर लड़कियां घर बैठी रहें, शादी नहीं करें, या फिर किसी शादीशुदा इंसान से शादी करें? मैं ये नहीं कह रही कि कोई मर्द जो है वो चार शादियां करना शुरू कर दे, मगर ये प्रॉब्लम तो है। तो आप बताइए किस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब आप इस तरह से, आपके पास कोई रिश्ता लेकर आता है कि मेरी बेटी की शादी करवानी है। देखिए, चूँकि अब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको पता है इतनी लड़कियाँ हैं, इतनी डिमांड्स हैं, तो फिर वो हर चीज़ मांगते हैं, वो हर चीज़, वो ब्यूटी भी देखते हैं, वो वेल्थ भी देखते हैं, वो लोकेशन भी देखते हैं, लोकेशन इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब कहाँ रहती है, इलाका कहाँ है? अच्छा, ओहो, चाहे लड़की कितनी पढ़ी हुई हो, कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत हो, हर चीज़ हो उसके पास, लेकिन अगर वो रह रही हो लालू खेत की तरफ, औरंगीत की तरफ, नॉर्थ कराची की तरफ, तो उसकी जीरो वैल्यू होती है। अच्छा, उसकी वैल्यू जीरो। अच्छा, चाहे वो पढ़ी लिखी है, अच्छा बाकिरदार है, फिर भी वो कहते हैं हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेटी के ससुराल वाले क्या कहेंगे, आगे से क्या होगा, क्या हम अपने संबंधियों को क्या बताएंगे कि हमने उधर जाकर शादी की। हाय हाय, उनको वो ये पूछेंगे कि आपको कोई लड़की नहीं मिली थी डिफेंस की, गुलशन की, या चलो PCHS की, और हाई फाई जगह की नहीं, चलो PCHS कश्मीर रोड वगैरह की नहीं मिली तो थी। आपके पास जब रिश्ते, तो बहुत ही अच्छा पॉश इलाका है। अच्छा, आपके पास जब लोग रिश्ते लेकर आते हैं तो सबसे पहले ये लोकेशंस लिखवाते हैं कि यहाँ की लड़की चाहिए, मैं खानदान की नहीं बोलते कि अच्छे खानदान की, लोकेशंस मैटर, लोकेशन आल्सो मैटर्स, लाइक पढ़ाई क्या होनी चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फादर मदर का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बहन भाई कैसे होने चाहिए, ये चीज़ें सब देखते हैं कि भाइयों की क्या जॉब्स है, बहनें कितनी हैं, अगर बहुत बड़ी फैमिली होगी सॉरी एक्सक्यूज मी, अगर बहुत फैमिली होगी मगर मेरी बात सुन, भाइयों की जॉब से उनकी बहू का क्या लेना देना जो रिश्ता लेके जाएंगे वो लड़की भी आके, भाइयों की जॉब से क्या ताल्लुक है? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप ही से क्वेश्चन कर रही हूँ जी। आप एक लड़की ला रही हैं बड़ी अच्छी खूबसूरत पढ़ी हुई लिखी, उसके भाई जो है लद्दड़ है, कोई क्लरिकल जॉब में है, कोई इसी तरह थर्ड क्लास जॉब्स में है, लड़की अच्छी है, यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्या आप कर लेंगी? साइकिलें हैं, बाइक्स हैं, टूटी फूटी उनके पास, बिल्कुल इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या शर्म की बात है? आपके घर में भाई आएंगे, नहीं शर्म की बात जैसे है, मेरे अल्लाह ताला ने भी कहा है आपसे अपने से मिलते जुलते लोगों में शादी करो ताकि आप अनईजी ना फील करें, ताकि आप उनके सामने लो ना फील करें, है ना? जैसे मेरे मुझसे जो बड़े भाई हैं उनकी शादी हुई थी तो हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, हमने यही देखा था बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, तो अम्मी ने हाँ कर दी थी, भाई ने लाहौर में शादी की, भाई को रिश्ता अच्छा लगा, तो उन्होंने ये नहीं देखा एस्टैब्लिश नहीं है जबकि पहली 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 कुछ औरतें खातून ऐसी थीं जी जो कि इन बातों को बुरा नहीं मानती थी, लेकिन अब ये भी तो देखती हैं कि मिसेस खान उसका भाई तो अभी मैट्रिक इंटर है, वो तो एक छोटी मोटी क्लरिकल जॉब कर रहा है,
या छोटी मोटी जाकर मार्केटिंग की जॉब कर रहा है, वहाँ पे चीज या पिज्जा बॉय मेहनत कर रहा है, मतलब मिसेस खान वो हक हलाल कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, इसमें क्या मसला है, ये भी तो देखे ना आजकल कौन ये हक हलाल कोई नहीं देखता, ये देखते हैं कि हराम कितना है घर में, क्या कितना खूबसूरत है घर, कितने अच्छे सोफे कर्टन्स, कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है, कितना बड़ा घर है। आप मुझे बताएं, आप ऐसे रिश्ते कराती हैं, मुझे आप ये बताएं पहले, फिर आप, ये मेरा अब आपसे सवाल है, आप ऐसे रिश्ते कराती हैं कि जो घर बड़े हों, जिनके नहीं, भाइयों नहीं, की जॉब है बहुत हो, पोस्टों पे बैठे हों, मिनिस्टर लेवल पे हों, सोर्स वाले हों, उनकी सोशलाइजिंग, उनकी पीआर, उनके कॉन्टैक्ट बहुत हाई हो, और अगर कोई क्लर्क है, कोई भाई मजदूर है, कंपैटिबल मैचेस, तो वो क्लर्क में शादी करे, अपने लेवल में लोगों की शादी करो ना। मैं क्लर्क को कोई मिनिस्टर के घर भेज सकती हूँ? नहीं, तो क्लर्क की बहन की शादी नहीं हो सकती किसी मिनिस्टर वाले, किसी मिनिस्टर के बेटे से। एक सवाल है, क्या क्लर्क की बहन की शादी, एक एग्जाम्पल जी, वो लव मैरिज हो जाए, वो चुपचाप शादी करके एक कोने में रख दे कि लड़की खूबसूरत है, इससे मुझे, मैंने शादी कर दी है, उसको घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे क्या दुनिया में यही लड़की रह गई थी। तो मिसेस खान ये सही है, मुझे आप बताएं ना, ये सही है, ये सवाल भी है मेरा आपसे, ये सही है फिर, बताएं ना क्या ये सही है फिर इस तरह? बिल्कुल सही नहीं है, नहीं ये सही कहाँ से है, आप एक क्लर्क की लड़की की वहाँ मिनिस्टर के लड़के में उसकी इज्जत क्या रहेगी, दो दो टके की उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, सास दो दो मिनट में कहेगी तुझे, तूने अपना बैकग्राउंड देखा है, क्यों हम ऐसी अपनी बच्चियों को बातें सुनने दे, तो कंपैटिबल मैचेस में करो ना। मिसेस खान का डिटेल है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, इस पे मैं जरा डिटेल पे रहे, एक ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हो रही हैं, बहुत ज़रूरी बातें हो रही हैं, आई डोंट वॉन्ट आप इसको मिस करें। ये जो शादी एक बहुत बड़ा मैटर बन गया आज के दौर में, क्यों बन गया है, इस ब्रेक के बाद जानिएगा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं ये जो शादियां हैं इतनी मुश्किल क्यों हो गई, और शादियां क्यों नहीं हो रही हैं, और अगर होनी चाहिए तो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे ख़ानदान, कैसे लोग, क्या एहतमाम, क्या इंतजामात, कैसे कैसे, ये सब कुछ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मिसेस खान है। ब्रेक से पहले भी हम इनसे बात कर रहे थे, और अभी एक और सवाल मैं आपके आगे फेंकना चाहूँगी। मिसेस खान जी, मुझे ये बताइएगा, एक लड़का है सपोज क्लर्क, ठीक है, उसने शादी करनी है किसी अच्छे घर की अमीर लड़की से, ठीक है, अब वो उसकी शादी उससे किस तरह से हो सकती है, और अगर कोई लड़की बोले मिनिस्टर के घर जी, क्या बोलूँ, किसी मिनिस्टर के घर करनी है, हाँ सपोज कि एक क्लर्क लड़का है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरी किसी मिनिस्टर की बेटी से शादी हो जाए, या किसी मिल ओनर की बेटी से शादी हो जाए, उसी तरह एक लड़की है, अब वो है तो बहुत गरीब घर की, मगर उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ ओवरसीज़ चली जाऊँ, किसी बाहर मुल्क में लड़का है, उधर मेरी शादी बाहर मुल्क में सेटल हो जाऊँ तो सब कुछ बेहतर हो जाए, तो ये जो इस तरह के मैचेस हैं, ये किस तरह से आपस में इनकी शादियाँ होती हैं, और किस तरह से आप फिर करवाती हैं? देखें, ये तो हो सकता है कि एक लड़का बाहर है, क्योंकि बाहर के लोगों में इतना स्टैंडर्ड्स को नहीं देखते हैं, वो लोग पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी लड़की, और उनके साथ मैच होती हो बातों में, रख रखाव में, उठने बैठने में, लड़का इजी फील कर रहा होता है, लड़की इजी फील कर रही होती है, तो वो कर देते हैं, वो वहाँ हो जाती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस और इधर की एक्सेप्टेंस और रिश्तेदारों की एक्सेप्टेंस नहीं चलती, उधर मैटर नहीं करता कि आप बाहर शादी कर रहे हैं, कि आपका बैकग्राउंड इतना पीछे से क्या होगा, बहन भाई क्या होंगे, कैसे होंगे, बल्कि उधर जाके लड़कियां तो अपने भाइयों को बुला लेती हैं, अपने घर को पूरा सेटल कर लेती हैं, अपने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पेरेंट्स का भी ऊंचा कर लेते हैं। मगर जैसे यहाँ से लड़की जब रिश्ता देख रही होती है वगैरह भेजते हैं, मगर जब लड़की वाले यहाँ से रिश्ता देख रहे होते हैं बच्ची की बाहर शादी के लिए, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या वो एज क्राइटेरिया देखते हैं, या फिर किसी भी एज के इंसान से शादी करा देते हैं, बस ये देख के ये मुल्क से बाहर है वहाँ सेटल है, तो इसके साथ अगर बेटी हम भेजेंगे तो हम पीछे जो इसके अपने भाई हैं यहाँ पे वो भी आगे सेट हो जाएंगे, उनको भी बुला लेगी, कोई रिश्ता खुल जाएगा, क्या तरीका, ये इस तरह होता है या बस शादी मैच की देखते हैं? यहाँ पे ये देखते हैं, अच्छा बाहर के लिए ये देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है, वो हर काम में तेज़ है, अगर उसको ड्राइविंग आती है, घर की ग्रोसरीज लाना, जॉब अच्छी कर रही है, पढ़ी लिखी है और होशमंद है, तो उससे तो फिर भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लड़की ने इधर ही रहना हो और वो छोटे से घर से बड़े घर में जाएगी, तो वो अकोमोडेट खुद भी नहीं कर सकेगी, बेटा खुद सोचो,
कैसे अकोमोडेट कर सकती है। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा उसके घर की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। और मिसेस खान मुझे ये बताइएगा, जब आपके पास लोग इस तरह से रिश्ते करवाने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं कि लड़की जो है मुझे बस दो कपड़ों में काफ़ी है, निकाह खां आएगा दो कपड़ों में, बस आप लड़की मेरे पास रुख्सत कर दें, हमें अपनी बहू बनाना है, या फिर ये कहते हैं कि जहेज के दो ट्रक अलहदा आएंगे, क्या शर्त रखते हैं? पूरी मैं आवाज नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या जब रिश्ता कराने के लिए कोई आता है आपके पास तो क्या डिमांड करता है लड़की वालों से कि क्या मुझे दो कपड़ों में लड़की कबूल है, या फिर ये कहते हैं कि लड़की वालों से कि भाई जहेज के दो ट्रक पीछे तैयार रखने, जहेज इतना होगा तो लड़की भी आके लेके जाएंगे, क्या चल रहा है आजकल? नहीं देखे, ये तरीके होते हैं मांगने के, बहुत से तरीके होते हैं। ये मुंह से यूं नहीं कहते आप दो ट्रक दे, अच्छा कहते हैं आप उसकी जरूरत की चीजें दे, यूं बोल देते हैं तरीके उसकी, से उसकी लड़की की जरूरत, उसकी जरूरत की चीजों में तो हाँ, अब जरूरत की चीजों में तो उसका बेडरूम भी आ जाता है, जरूरत की चीजों में तो सोफा सेट वगैरह सब कुछ आ जाता है, जेवर भी आ जाता है, मतलब आप सब कुछ दे, हाँ सब कुछ आ जाता, पिनहोनिया वगैरह सब कुछ, हाँ। लेकिन बस अच्छे नेक लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि आप सिर्फ दो कपड़ों में लड़की रुखसत कर दें। अच्छा, बहुत मगर वो अच्छे जो, लोग हैं वो जो कहते ट्रक वाला, मैं आपको जहेज वाली बात बता रही थी, क्या उस पे रिश्ते टूटते भी हैं बहुत ज्यादा? अगर लड़की अपना जहेज प्रॉपर नहीं लाएगी, और दूसरी बहुएं जैसे मेरे पास आई है, खातून कह रही है मिसेस खातून, मिसेस खान दो बहुएं तो मेरा खूब भर भर के लाई हैं अपना सामान चीज़ें, अब ऐसे मुझे लोगों में शादी ना करवाइएगा कि बिल्कुल वो लोग फोकट किस्म के हों कि कुछ दे लेना, हाय हाय, यानी वो लड़की भी जो आप तीसरी बहू दिखाएंगी, आखिरी मेरा बेटा है तो मैंने तो बड़ी धूमधाम से कर दी है, और हमारी मेहंदियों में तो लड़कियां इतना डांस करती हैं, ये करती हैं, एक लड़की पसंद आई लेकिन वो सिंपल थी, उनकी उसकी बहन भी नहीं थी, वो सादा लड़की थी, उसने इतना फैशन वैशन लेकिन शक्ल सूरत की अच्छी थी, अब वो कहने लगी मिसेस खान वो डिफेंस व्यू में रहती हैं, नॉट डिफेंस, इस डिफेंस व्यू, मैं डिफेंस व्यू में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है डिफेंस व्यू के अंदर में रही हूँ, जब डिफेंस व्यू बना था सबसे पहला घर ही हमारा था वहाँ पे, तो आई नो डिफेंस व्यू किधर है। अच्छा, तो अब वो कहती, अब तो खैर बहुत क्राउडेड हो गया इतना कि आप सोच नहीं, वो इकरा यूनिवर्सिटी की वजह से भी बहुत ज्यादा हो गया, तो रिश्तेदारों की बहनों की सबकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं कि उनके उनके रोड्स पे तो जा ही नहीं सकेंगे, हमें लड़की पसंद आ गई लेकिन हम क्या करें, उनसे कहें कि घर बदल लें। है? अब आप ये बताएं कि घर घर बदलना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। अब ये देखें कि उनको लड़की पसंद आ गई, बहुत खूबसूरत थी, बीएस उसने कुछ समथिंग समथिंग पढ़ा हुआ था, भाई वगैरह सही जॉब कर रहे थे, फादर रेलवे से 18 ग्रेड से रिटायर हुआ था, ठीक मुनासिब उसकी जॉब थी, लेकिन घर का इलाका ऐसा था जहाँ पे वाकई उनकी बड़ी गाड़ियाँ बेटियों की नहीं जा सकती थी, उन्होंने वो रिश्ता इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारी नहीं जा सकती थी, और हमारे फिर बेटी के ससुराल वाले जो डिफेंस में और केडी में रहते हैं वो कहेंगे अगर डिफेंस व्यू की अच्छी लड़की ली थी तो कम से कम इलाका तो देख लेना था। ये बातें बिल्कुल कॉमन है और होती हैं, और वैसे हैरत की बात है, एक वक्त था उस इलाके में मैं भी रहती थी, मेरी तो मेरी शादी में शुक्र अल्लाह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे भी रिश्ते भरे पड़े मेरे अल्लाह का शुक्र है, मगर ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, इलाका जरा नीट एंड क्लीन था, बहुत स्टैंडर्ड वाला था, बड़ा महंगा इलाका था मुझे पता है, मगर अब चलो जैसे भी अगर कुछ हालात इलाका टूट जाता है, सोसाइटियाँ खराब हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ते ना करें, वहां से लड़कियां ना लें, या सोसाइटी या किसी चीज की वजह से रिश्ते छोड़ दें, अच्छी लड़कियां, होनहार लड़कियां, शरीफ लड़कियां, अगर कहीं से भी बाकिरदार आपको लड़कियां मिलती हैं तो देख लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप जो लोगों के हालात बताती हैं, जो मुश्किलें बताती हैं कि किस तरीके से हमारी आवाम जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, मगर आखिर में मैं चाहूँगी कोई आप वर्ड, कोई ऐसा पैगाम, कोई मैसेज आप दें, लड़के वालों को अलग दें, लड़की वालों को अलग दें, प्लीज़ ओवर टू यू। देखें आप पढ़ी लिखी अच्छी नेक शरीफ अच्छी वैल्यूज देखें, उसमें अच्छी तालीम हो, घर गृहस्थी हो, शराफत बहुत देखें कि लड़की शरीफ है, माँ बाप शरीफ है, निभा करने वाली है, ऑनेस्ट है, और घर को लेकर आगे चलेगी, यानी कि बड़े घर का लड़का या बड़े घर की लड़की ले आई है
वो एडजस्ट नहीं हो रही, आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है, जाहिर है उसको गुरूर तो होगा, अपने पैसे का मान होगा, पैसे का गुरूर होगा, तो आप में कैसे एडजस्ट होगी? ऐसा बड़ा घर, ऐसे बड़े घर पर लानत हो। हाँ, ऐसे बड़े घर की लड़की भी, की लड़की लाऊंगी ना लाए, वाकई लड़की और लड़का नहीं सही। और लड़कों के लिए क्या मैसेज करेंगी आप? दोनों के लिए यही कि हम पल्ला रिश्ता देखें, बड़े बड़े लोगों में जाके इंसान जलील होता है। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। ये ऊंची दुकान, महंगे पकवान ना देखें, बंद दोनों की आपस में कंपैट देखें, और दो खानदान अगर बराबरी के तो ऐसा रिश्ता लेकर आए। बात सही है, अगर आगे प्रोलॉन्ग चलाना रिश्ते को, और आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी किसी के घर में जाके कॉन्शियस हो जाए, और आपके जो जो बेटा है वो आपकी जो बहू आप लेकर आए उसके बिल्कुल ऐसे थल्ले हो जाते हैं ना, थल्ले हो जाए बिल्कुल, और उसकी हुक्म और उसकी गुलामी में ऐसे मसरूफ हो जाए, तो ये सब ना हो, तो उसके लिए फिर आप जरा बराबरी कंपैटिबिलिटी देखें, ताकि दो खानदानों का भी आपस में मेल हो सके। वो एक लड़का लड़की की जब शादी होती है तो दो खानदानों का मेल होता है, वो इसी तरीके से होगा जब दो जहन वाले लोग एक दूसरे के साथ बैठे होंगे, एक जैसे लोग बैठे होंगे, बैलेंस होगा, बराबरी होगी तो बड़ी जमेगी। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे हम मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और नाज़रीन जैसे कि आज जुमे का दिन है और सबको इंतज़ार रहता है वजीफ़ों का, और आज हम जिस पे बात करेंगे वो है जादू। हर एक को परेशानी होती है कि भाई हम पे किसी ने जादू करा दिया है, कोई कहता है कि मेरी सौतन ने जादू करा दिया है, कोई कहता है मेरी फूफो ने जादू करा दिया, कोई कहता है मेरे पड़ोसी ने करा दिया है, कोई कहता है मेरे कारोबार पे किसी ने जादू करा दिया है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, कोई कहता है मेरी बेटी पे जादू है जिसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं आ रहा, और इस तरह के बहुत सारे, कभी कपड़े में किसी को खून की छींटे नज़र आती हैं, कभी किसी को दरवाजे के बाहर कोई ऐसे बकरे का जो है ना सर फेंक के चला जाता है, कोई कौवा जो है मार के तो उनके घर के बाहर दफना देता है, कोई किसी लड़की की पैर की मट्टी उठा लेता है तो उसकी आगे से शादी नहीं होती। ऐसे बहुत से ऐसे किस्से सुनने को आते हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू है, और जादू है हकीकी है या नहीं है, और उसका हल क्या है, अगर जादू है तो उसका क्या हल है, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर आज बताएंगे। जिस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं, हाफिज़ शफीकुर रहमान जाहिद इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ, और प्रोफेसर उबैदुर रहमान शफीक इस्लामिक स्कॉलर हैं, दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। तो चलें बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ये पहले हमें बता दें कि जादू हकीकी है, होता है या नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू की हकीकत के अगर कुरान मजीद से देखा जाए तो वलाकिन्न शयातीन काफर युअल्लिमून अन्नास सिह्र, गोया के कुरान मजीद ने जादू को मौज़ू बहस बनाया है, जादू को कुरान डिस्कस करता है, तो इसकी बात है कि इसका मतलब है कि जादू है। कुरान मजीद की 20वीं आयात ऐसी हैं जिसमें जादू को बकायदा डिस्कस किया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख देख लें, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देख लें, और ख़ुद रसूल कायनात, और फिर आगे तक जैसा कि बंगाली और इसी तरह अफ्रीकी ममालिक, यूरोपीय ममालिक में तो बहुत है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जादू एक कुफ्रिया अमल है, जादू एक शैतानी और खबीस रूहों का अमल है। और दूसरी बात ये भी नादरीन को हम बताना चाहते हैं कि हर बंदे को जादू नहीं होता, ये खाम खा हमें खौफ और हरास का शिकार नहीं होना चाहिए, हर बंदा ही जादू समझता रहे कि मेरे ऊपर जादू है। लेकिन एक बात है कि जादू हकीकत है, और जादू होता क्या है? जादू कुछ ऐसे अल्फाज और कुछ ऐसे अकवाल और ऐसी हरकतों सकनात हैं जो शैतानी तालीमात पर मबनी होती हैं, और हासिद आदमी जब जादूगर के पास जाता है और मासूद की कोई तस्वीर, उसका कोई कपड़ा, कोई उसकी उसके नाखून, उसके पाँव की मट्टी, या इसी तरह कोई भी उसके जिस्म से मुतलका या उसकी शख्सियत से मुतलका चीज़ लेके उसको देता है, तो वो उसके ऊपर कुछ फूंके मारता है, बसौकात कुछ पुतले बनाता है, बसौकात कुछ अमलियात करता है जो शैतानी होती हैं और कुरान और सुन्नत के मुखालिफ होती। कुरान जो लोगों के घरों से पाए जाते हैं, छोटे छोटे कुछ लिखे हुए अजीब सी शक्लें बनी हुई, क्रॉस बने हुए, तावीज, उसके ऊपर कोई नींबू के ऊपर सुइयां भूकी हुई, छोटे से पुतले बने हुए, पुतलों के ऊपर जुल्म हुआ हुआ, उनको गले से धागा बांधा हुआ है, उनके अंदर सुइयां भूकी हुई है, इज दैट ऑल? ये इस टाइप के अमल सभी सभी
कि कुछ फूंके मारने वालियों के शर से बचो। और देखा जाए अगर जादूगरों की बात भी है, मन आता काहिनन फसद्दा को बीमा यकूल फ़कत काफर बीमा उनजिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी आदमी जादूगर के पास जाता है, वो ख़वातीन और वो मर्द हजरात जो किसी के घर को उजाड़ने की या किसी के कारोबार को तबाह करने की या किसी के रिश्तों को तोड़ने की बातें और इस अमल में लगे हुए हैं, उनको मैं वादे कहता हूँ कि अल्लाह से डर जाओ और दुनिया में भी तुम्हारा हश्र इस तरह होगा जैसा कि सूरत रहमान का पीछे वाक्य आपने सुना है कि एक औरत ऐसी भी आई कि सूरत रहमान के चलने से उसे शिफा की बजाय उसके जिस्म से कीड़े निकलने शुरू हो गए, जिस्म से इस तरह की चीज़ें निकलनी शुरू हो गई। उससे पूछा गया, कहने लगी मैंने फलां फलां घर को तबाह किया जादू के साथ। तो फरमाया कि जो आदमी जादू करता है या करवाता है या जादू सीखता और सिखाता है या जादूगर के पास जाता है और उसकी बातों की तस्दीक करता है, हदीस सही है मुस्लिम की हदीस, फरमाया कि उस आदमी ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल होने वाली शरीयत के साथ कुफ्र किया है। और एक हदीस के मुताबिक मन आता काहिनन, जो आदमी किसी अर्राफ के पास या काहिन के पास जाए और काहिन मतलब जादू करने वाला, जादू करने वाला तस्वीरों के ऊपर तवीद धागे लिखने वाला, कील देने वाला, रस्सियां देने वाला, ये सब जादूगर है। अच्छा, यकीन हत्ता के जो रूहानी आमल के नाम पर कुरान मजीद को 786 या पूरे कुरान का 9 का हिस्सा लिखते हैं या इसी तरह डिब्बों में लिखते हैं, आप मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ जो पूरा चैलेंज पूरी कायनात मिल के कुरान के मुकाबले में कुरान, कुरान के मुकाबले में 10 सूरतें, कुरान के मुकाबले में 1 सूरत, कुरान के मुकाबले में 1 आयत नहीं ला सके, आज के बरसगीर पाको हिंद के ये मुसलमान जो सादा भी जाहिल भी है, इन्होंने बिस्मिल्लाह के मुकाबले में 786 ले आए। अच्छा। आप अल्लाह से डर के बताएं कि क्या बिस्मिल्लाह के इक्वल 786 हो सकता है या पूरे कुरान का कोई आदमी कोड 9 की शक्ल में निकाल सकता है? ये वो लोग हैं जो जादू करने वाले हैं और इन लोगों को तो यकीन करें ये जादूगर भी पूरे पूरे जादूगर भी नहीं है, ये जाहिल है, इन आदमियों से कोई तवीद देने वाला है, इनसे पूछो कि ये 16 डिब्बों का तवीद, 9 डिब्बों का तवीद, 3 डिब्बों का तवीद, तकोन का तवीद, मरबा शक्ल का तवीद, बैदवी शक्ल का तवीद कब बनाया जाता है, उसका कुलिया क्या है, इनको कुलिया का भी नहीं पता। ये कापी पेस्ट करते हैं सारा कुछ और उसके बाद लोगों को देते हैं। जो आदमी इस तरह का अमल करे वो रूहानी अमल नहीं हो सकता, वो शैतानी अमलियात करता है, वो चाहे जैसा कैसा भी है। बरकैफ ये जादू और हदीस भी मैंने आपके सामने कर दी और कुरान मजीद की आयत वाला किन्न शयातीन, वो आदमी शैतान है जो आदमी यवली मुना नासा से जो जादू सीखता और जादू सिखाता है। एक कॉल भी है, शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आज बहुत सारी कॉल्स जो है हमें इस तरह की आएंगी, मुझे पता है बहुत से ऐसे परेशान लोग हैं जिनके घरों में इस तरह की मुसीबतें और उनको इस तरह के ट्रॉमा फेस करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जादू। तो आज जो जो लोग परेशान हैं आप कॉल कर सकते हैं, हम उसकी दुआएं और उसका जो आपको एक कार्ड है वो आपको बताएंगे। एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या पूछना चाहेंगे, क्या मसला है? मेरा सवाल आप साहब से है कि हमारे ना घर में तकरीबन 4 साल पहले 5 साल पहले मेरी ना एंगेजमेंट हुई थी, तो उसके बाद से ना मेरे घर में मामला बिल्कुल ठीक नहीं रहे। तो मेरी वालदा जो है 4 साल से 5 साल से मुसलसल ना मेरी वालदा और वालदा दोनों बहुत बीमार हैं। वालदा खाना नहीं खाया जाता उनसे, खाना खाती है तो उल्टी आ जाती है, फौरी आ जाती है, पानी भी पीती है तो इसके बाद भी उल्टी आ जाती है, हाथ पाँव कांपने शुरू कर देते हैं और बाद में ऐसे जैसे जिन्नात नहीं है आवाज निकालते हैं ऐसे आवाजें निकालते हैं, और वालद भी सेम ऐसे ही है। तो काफी आलमों से पता करवाया, इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद भी ना सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ आराम रहता है, फिर वही मसला शुरू हो जाता है। और टेस्ट भी काफी करवाए हैं, डॉक्टरों के पास भी गए हैं, कुछ भी नहीं आया टेस्ट में। जी शफीक रहमान सर क्या कहेंगे? ये तो मरीज़ को चेक करके ही बताया जा सकता है, लेकिन एक बात है कि अगर इस तरह की शक्ल है कि उसका कोई मंगने का इस तरह का एंगेजमेंट का कोई प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हो सकता है कि उस प्रोग्राम में अल्लाह रसूल के तरीके के मुताबिक कुछ चीज़ें दुआएं हैं, गरीबों का हक ना रखा गया हो, गरीबों का ख्याल ना रखा गया हो, बाद दफ़ा होता है मिलन सारी मोहब्बत से ना की गई हो, तो वहाँ नज़र बद या इस तरह का मसला हो जाता है। रहा मसला ये कि जो उसकी वालदा का मसला है, उसको चाहिए कि जो खाना खाते ही कह कर देती, पेट और पेट से मुतल्लिका जितने भी उसके मैदे से मुतल्लिका मामलात हैं, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि खाने से पहले सबसे पहले ये देखे कि उस खाने के मुतल्लिक अपना कंसेप्ट तसव्वुर ये करे कि अल्लाह रज़ाक और राज़िक है,
वही रिजक देने वाला है, वही रिजक को गजा बनाने वाला है, वही रिजक को आगे फुदला बना के निकालने वाला है। पहले नंबर पे ये करें, दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह बराकातिल्लाह ये दुआ पढ़े, और उसके बाद दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद लोग बिस्मिल्लाहिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, इस तरह की जो दुआएं पढ़ते हैं उसका कोई तसव्वुर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला बरकतिल्लाह तो वैसे भी खाने खाने के बाद पढ़ने वाली नहीं, नहीं, ये खाना खाने से शुरू से है, शुरू से खाना का लुकमा तोड़ना है, खाने का लुकमा लेना पड़ रही थी। मुझे किसी ने रोका, मुझे कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में पढ़ना है और बाद में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं नहीं, वो बाद की दुआएं और हैं। लेकिन दूसरी बात जो दुआ के साथ एक और बात, जिसका भी मेदे का इस तरह का प्रॉब्लम है उसको चाहिए कि हर लुकमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दे, अल्लाह के फजल करम से उसका ये कह वाला मामला भी खत्म हो जाएगा। और खाने के बाद जो दो तीन मसनून दुआएं, एक तो है कि हम पूरी जिंदगी खाते हैं और एक ही दुआ पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी जो काम करना है उसको प्रॉपर सीख के करना चाहिए। मसलन एक दुआ तो है कि आप दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नी मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। इस दुआ की बरकत से आपके जितने भी पहले गुनाह है, खाना आपने खाया है और आपके सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, और अल्लाह जो खाना आपके लिए गजा बनना है, उसने बीमारी नहीं बनना, उसको अल्लाह ताला गजा बना देता है। दूसरी दुआ यह है कि अल्लाहुम्मा अतिम मनातामाना वस की मन सकाना वादा मिनल मुस्लिमी। ये भी दुआ बहुत अच्छी है कि या अल्लाह खिलाने वाला तू है, जो हमको खिला रहा उसको तू भी खिला। और इस के साथ साथ एक तीसरी दुआ, अल्लाह बारिक लाहूँ फीमा रखता हूँ वकफिल्ला हूँ, ये भी दुआ बहुत ज़बरदस्त तरीन है। दीगर दुआ भी आपको आज इस तरह पढ़ ले तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी, ये तो मैंने मेडिकल और बता दिया, सब जादुई हसद का भी मसला तो वो भी निकल जाएगा, हाँ इसके बावजूद भी है तो सूरत बकरा, सूरत रहमान और सूरत यासिन घर के अंदर लगा भी दे, और वो माँ जो इस मर्द की शिकार है वो सुन भी ले, और वो जो बड़बड़ा दें उसका भी बता दें, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि जिन्नात की तरह आवाजें निकालते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, वालिद भी और वालदा भी, हाँ जी, उसका भी बता दें। उसके लिए एक दुआ बड़ी जबरदस्त है, रब्बी औऊज़ बिका मिन हमादाती शयातीन औऊज़ बिका रब्बी यहज़ुरून, रब्बी औऊज़ बिका मिन हमादाती शयातीन औऊज़ बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये लफ्ज मेरे करके गूगल करेंगे तो वो आ जाएगी। अच्छा। और इसी तरह जो ना वो साथ एक बहुत ज़बरदस्त दुआ है, जिसको जिन्नात सामने नज़र आते हों या जिन्नात का साया महसूस होता हो या घर में कोई इस तरह का खड़का धड़का महसूस होता हो, औऊज़ बिका करीमातिल्लाहि तामाति मिन गादाबी ही व इक़ाबी ही व शर्रि इबादी व मिन हमादाती शयातीन औऊज़ बिका रब्बी यहज़ुरून। जितने भी ख्वाबों में बेख्वाबी वाला मसला है, लोग डर के जाते हैं, जिस्म पे बोझ पड़ता है, सीने पे बोझ पड़ता है, बुरे ख्वाब आते हैं, ख्वाबों में जीव किस्म की शक्लें महसूस होती हैं, इन तमाम के इलाज के लिए ये दुआ बहुत परफेक्ट किस्म की है। ठीक है, अच्छा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये भी पूछेंगे, बल्कि आप इस बार करिएगा कि जब किसी पे जादू होता है तो उसकी क्या निशानियाँ जो हैं वो इंसान को फील होती हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं जादू के ऊपर, और जादू के ऊपर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उबैदुर रहमान साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब किसी इंसान के ऊपर जादू होता है, किसी घराने के ऊपर, उसको क्या फील होता है, उसके असरात, मतलब उसको पता कैसे चलेगा कि उसके ऊपर जादू ही है? एक तो ओवरऑल कुछ लोगों के कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक अलामत हो सकती हैं कि जो जब किसी मरीज़ को देखा जाता है। व्हाट आर द साइंस? उसमें से कुछ साइंस ऐसे होते हैं कि मुसलसल सर का दर्द रहना, ये नज़र की साइन में भी आता है, और अब वो बच्चा हो बड़ा हो किसी भी एज में सर का दर्द, मुसलसल सर का दर्द रहना। जादू में एक चीज़ बुनियादी जो होती है कि आपके ऊपर जो भी कुछ हो रहा होता है आपको उसकी रीज़न नहीं पता चल रही होती। बाज़ दफ़ा फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के फैमिलीज़ में इशू होता है, उनको माइग्रेन का इशू हो रहा होता है, या डॉक्टर जब उसको एनालिसिस करता है, रिपोर्ट देखता है तो उसको पता चलता है, लेकिन जब सबब ना पता चल रहा हो, क्योंकि जादू बुनियादी तौर पर होता है शैतान जिन के ज़रिए से। अच्छा। जो जादूगर होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, वो कुफर करते हैं, वो कुफर इस तरह से होता है कि वो पहले शैतान जिन को राज़ी करते हैं, और शैतान जिन उनसे कुछ बहुत बड़ा कुफर करवाता है। इवन हमारे पास कुछ तावीज़ भी आए लोगों के, जब उन तावीज़ों को खोला गया तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, या हामान, या फिरौन, या जैसे हम याल्ला कहते हैं,
वो फिरौन, हामान और शैतान से मदद मांगते हैं। तो जब आप शैतान को राजी कर देते हैं, अच्छा। फिर अल्लाह ताला ने जिनको एक ऐसी ताकत दी हुई है, और शैतान को भी अल्लाह ताला ने कोई सुपर पावर दी हुई है जिसके जरिए से वो आपकी बॉडी के अंदर सरायत कर जाते हैं। लेकिन रसूलल्लाह ने फरमाया, मतलब हाजिरी लगाता है, हाँ अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं अभी बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, जैसे मैं हूँ नॉर्मली हूँ, मगर वो मेरे अंदर आएगा। हदीस के सही हदीस के अल्फाज है कि जैसे इंसान के जिस्म में खून दौड़ रहा होता है, ऐसे शैतान दौड़ता है। तो वो उससे बाज दफा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो वो कुछ से ऐसे काम करवा देता है जो आप नॉर्मल इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो जो कुछ जनरल अलामत अगर हम देखें, तो सबसे पहली बुनियाद है कि मियां बीवी के दरमियान सेपरेशन करवा देना। अच्छा। ये सबसे अलामत है। अच्छा। बड़ी अलामत होती है कि अगर कोई सबब नहीं है, हाँ। नज़र नहीं आ रहा, और बगैर सबब के मियां बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा नाचाकी हो रही है, उनके आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, और बात यहाँ तक पहुँच रही है कि वो सेपरेशन तक पहुँच रही है, तलाक तक पहुँच रही है, डैट मीन उसके ऊपर जादू हुआ हुआ है। और इसमें हदीस के अल्फाज हैं कि शैतान जो है ना, वो हर शाम को समंदर के ऊपर अपना तख्त लगाता है, और वो शैतानों को बुलाता है कि आओ बताओ आज क्या करके आए हो। तो कोई बताता है मैंने किसी की लड़ाई करवा दी, कोई कहता है मैंने कत्ल करवा दिया। तो एक शैतान आता है और वो कहता है कि मैंने मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी, और लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी सेपरेशन हो गई। हाँ। तो वो उठ के खड़ा होता है और कहता है कि ये मेरा सबसे बड़ा चेला है, और वो उसको अपनी जगह पर बैठाता है, यानी कि उसको एम्प्लॉय ऑफ द डे उसको करार दिया जाता है जो सेपरेशन करवा रहा होता है। उसके बाद एक जो बुनियादी अलामत यह है कि बगैर किसी रीज़न के किसी एक लड़की का किसी एक खास आदमी की मोहब्बत में बेइंतहा पड़ जाना, जबकि वो आदमी बिल्कुल बेकार नकारा और उसका किरदार भी अच्छा नहीं। इवन वाइस वर्सा भी होता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मर्द का किसी औरत की मोहब्बत में पड़ जाना, औरत का किसी मर्द की मोहब्बत में पड़ जाना, जबकि दोनों में से कोई भी एक उसके काबिल नहीं हो सकता। और मैं आपको इसमें बहुत मतलब है कि हॉरेबल फैक्ट जो है ना, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, उसके कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए, वो ये बताते हैं कि एक तरह के मुसलमान जादूगर हैं, तो जो जादू कर लेते हैं वो तो वैसे कुफर कर लेते हैं, कुछ ईसाई और इस तरह के जो गैर मजहब वो जादूगर हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे कुछ चॉकलेट और कुछ इस तरह की चीज़ें वो उनसे जादू करवा के लेके आते हैं, और यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलोज को खिला देते हैं। अब वो अगर अच्छा। उन्होंने चॉकलेट खा ली, और चॉकलेट खाने के बाद या कोई भी चीज़ उन्होंने खिला दी, तो उसके बाद वो लड़की मतलब कि आप लड़के को अगर देखें, जैसे आपने कहा बिल्कुल बेकार किसी किस्म का नहीं, और वो एक इतनी अच्छी शरीफ घराने की लड़की एकदम से उसकी मोहब्बत में ऐसे पागल हो जाती है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो इसका मतलब ये कि जैसे हम बच्चों को स्कूल कॉलेज और इस तरह की जगहों पर भेजते हैं, स्कूल तो खैर बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मगर ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हॉस्टल्स वगैरह मुल्क से बाहर भी पढ़ने के लिए जाते हैं डोम वगैरह, तो वहाँ पर अगर कोई आपको उस तरह से चॉकलेट या कोई तोहफा दे रहा है, देन यू बी वेरी केयरफुल कि व्हाई ही इज गिविंग यू एंड व्हाई ही वांट्स यू टू ईट। और ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, मतलब कि बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। फिर एक इसमें बहुत बड़ी अलामत ये है कि खासतौर पर तो इस पर कोई ऐसी चीज़ है, अब देखें ना, कभी दोस्त भी होते हैं, आप सपोज मैं आपको नहीं जानती और आपको नहीं जानती, सपोज़ मेरे साथ मेरी एक सहेली है, हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, और हम एक दूसरे से कुछ अपना होमवर्क काम जो है शेयर कर रहे हैं, एकदम से उसने किसी के थ्रू उनको कोई चॉकलेट भेजी, वो उनकी बहन बनी हुई है और शादी की निगाह उसकी उसके लिए, अब वो एकदम से उसकी तरफ वो चॉकलेट दे दे कि उसको बोले कि उनको भी खिलाएं और पूछ लें और वो खा लें, देन क्या पढ़ें, ऐसे क्या चीज़ करें हम जिससे वो बच जाए। आपको इंटेंशन का पता होता है, बाज़ दफ़ा पता होता है कि अगर किसकी क्या इंटेंशन है, तो अगर किसी की इंटेंशन आपको बुरी लग रही है तो उससे बचें, एक तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने बात की कि जादू के पीछे असल में तो वो चॉकलेट है, लेकिन उसके ऊपर अमल हुआ हुआ है, और वो अमल हुआ हुआ है उसके जरिए से जैसे आप उस चॉकलेट को खाते हैं या वो कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, वो शैतान एक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसा क्या फिर हम खाएं, ऐसे कैसे बचें, उसके लिए आपको अपना एक ना एक हिसार बनाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली चीज़ यह है कि जादू शैतान है, तो आपको अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा, एक तो ओवरऑल आपका ईमान का लेवल थोड़ा सा मजबूत हो। उसके बाद ओवरऑल आप पूरे दिन के अंदर अपनी पाकीज़गी के खास तौर पे ख्याल रखें। अमूमी तौर पर कुछ हमारे बहन भाई होते हैं जो वॉशरूम में जाते हैं, तो वॉशरूम में ज़्यादा एहतियात नहीं बरतते, तो वहाँ पर जो पेशाब की छींटे हैं, इन चीज़ों से कपड़ों को बहुत एहतियात रखें, क्योंकि अगर कपड़ों में ऐसी छींटे वगैरह पड़ जाएँ तो आप एक बहुत लो जोन में होते हैं जहाँ पर शैतान आपके ऊपर एक्टिव हो सकता है, ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, नापाकी से बचना। तीसरी चीज़ यह है कि आप कोशिश करें कि वज़ू का ज़्यादा अहतमाम करें और हालत वज़ू में रहें। चौथी चीज़ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम के अज़कार बताए कुछ, तो वो जस्ट आप 10-15 मिनट्स के अंदर आप वो अज़कार कर सकते हैं। तो जैसे सुबह आप वो 10-15 मिनट्स के अंदर वो अज़कार कर लें, आप गूगल करेंगे आपको सुबह के अज़कार मिल जाएंगे। तो हदीस के अल्फाज है, जो सुबह वो जिक्र कर लेता है शाम तक वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, फरिश्तों के हिसार में आ जाता है, और जो रात को वो अज़कार कर लेता है वो सुबह तक अल्लाह की पनाह आ जाता है। एक कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम अस्सलाम मैम, मलाइका बात कर रही हूं। मलाइका पूछिए, क्या मसला है, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ना शादी को 5 महीने हुए, ठीक है,
जो मेरे शोहर है ना वो बहुत लड़ाई कर रहे हैं, वो मतलब उन्होंने एक ही बात भी रखी करी हुई है कि मैंने आपको नहीं रखना, नहीं रखना, मैंने आपको तलाक ही देनी। क्या क्या वजह, क्या क्यों कहते हैं ऐसा? वजह कुछ रीजंस कुछ हैं क्यों ऐसे कहते हैं? आपको कोई पॉइंट्स बताइए ताकि वो जज कर सके। वो कहते हैं कि मेरी मामा ने मेरी जबरदस्ती शादी की है तो बस अब मैंने नहीं रखना। मैंने उनके कहने से शादी कर ली है लेकिन अब मैंने नहीं आगे चलना तो मैंने नहीं आपको रखना। और आपके जो ससुराल वाले हैं वो क्या कहते हैं? जो मेरी सास है ना वो तो कहती है कि रखना है, मगर जो उनके बेटे हैं ना वो कहते हैं कि नहीं रखना। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? रहना चाहती हैं? जी जी। आए हाय बताइए शफीकुर्रहमान साहब ऐसे मसले में क्या? देखें सबसे पहले तो ये है कि हर बंदे की अपनी एक चॉइस है और अपना एक इंतखाब और इसी तरह उसका अपना क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी इस तरह की बच्चियाँ ख्वातीन हैं उनको अपने जाहिर का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अच्छी वदाकता है, लिबास है और रहन सहन है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बिज़ाहिर बीवी अपने खामद के सामने अच्छे लिबास के साथ अच्छे जो है वो उसके तल्लुकात के साथ रहे तो बसा औकात नफरत मोहब्बत में भी बदल जाती है। मतलब हूर परी बन के रहे जैसी उसकी पसंद है वैसा बन के रहे। हाँ सबसे पहले ये, और रसूल कायनात ने इसकी बकायदा तालीम भी इसकी बकायदा दी है और घर में औरत को बकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हमारे पीछे एक साहब थे तो वो चीज़ बात इस तरह होती हुई कि जो औरत मगरब के वक्त मियाँ के घर के आने के वक्त अपने लिबास और वदाकत और घर की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करती उसको तो कोई हक हासिल नहीं है कि मर्द को कहे कि तू रात 12-1 बजे क्यों आ रही है, उसने चुड़ैल देखने तो नहीं आनी। सीधी बात है, उसने घर में अच्छे खासे अच्छा लिबास। दूसरी बात यह है कि आप अल्लाह के हुजूर जो सूरत मुजादला है कद समी अल्लाह कौल अल्लाती तुजादिलू का फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इल्लाह, ये शुरू की 5 से 8 आयात पढ़ के 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर ये दुआ करें। सैयदा खौला थी, उनको उनके खामद ने छोड़ने का एक जिहार का लफ्ज़ आता है शरीयत में कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह, मैं आपको बतौर बीवी नहीं रख सकता। सीधी बात है, अल्लाह के रसूल के पास वो आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मैंने पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारी है, अब आखिर उम्र में ये मुझे इस तरह की बातें सुना रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदा खौला अभी मेरे पास आपके मसले की कोई शरी रहनुमाई नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे तो फौरन इस मसले का हल चाहिए, और अल्लाह के हुजूर शिकायत की, 2 रकत नमाज पढ़ के बहना ये आयात पढ़े और दुआ करे। तो कुरान मजीद की आयत है कद समी अल्लाह कौल लती तुजादिलु का फी ज़ौजिहा, सैयद आयशा फरमाती इतनी तेज़ स्पीड से कभी भी जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके नहीं आए जितनी के सैयदा खौला के इस शिकायत पर लेके आए हैं। अच्छा। तो आप एक शिकायत वो है जो आपने किसी अहले इलम के सामने अपने माँ बाप के सामने रखे, और एक शिकायत या एक मसले की दरख्वास्त ये है कि आप अल्लाह के सामने रखें और ये दुआ कसमी अल्लाह सूरत मुजादला 28वें पारे की पहली आयात पढ़ लें, और दूसरी जो दुआ है 3 लफ्ज़ हैं अल्लाहुम्मा फिर ज़म्बा व तहिर कल्बा व हस्सिन फरजा, ऐ अल्लाह इसके दिल को गुनाहों से साफ़ कर दे और इसके अंदर की और बाहर की मैल को साफ़ कर दे और इसके किरदार को किला नुमा बना दे ताकि मैं अगर सारा जहान इसके लिए छोड़ के आई हूँ तो या अल्लाह इसको भी मेरी तरफ मुतवज्जे कर दे। तो ये दुआ पढ़ने से अल्लाह उसके दिल में किसी और औरत की कोई ऐसी मोहब्बत या चीज़ बैठी हुई है उसकी मोहब्बत भी निकाल देगा और इसकी मोहब्बत को दिल में कुरान की तरह नाजिल भी कर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो इस तरह के जो बाबाएँ होते हैं जो बने हुए होते हैं आलिम बने हुए होते हैं जो काला जादू कर रहे होते हैं काला इल्म कर रहे होते हैं और अपने आप को जादूगर कह रहा है, ये इन लोगों को मिल कहाँ जाते हैं जहाँ पर जी इनके पास जाके जादू वाले काम कराना शुरू कर देते हैं? मगर ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, टॉपिक ऐसा मैं तो घबरा गई। मैं आपसे पूछ रही थी, मुझे ये बताइए कि कारोबार पे जादू हो जाना जी ठीक है, लोग कहते हैं ना मेरे रिश्तेदार ने जेलस होके हसद में मेरे ऊपर जादू करा दिया, मेरा कारोबार बंद हो गया, चलता कारोबार, तो ये सब कुछ होता है?
जी जी बिल्कुल, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे जादू की अलामत में से, उसमें एक अलामत ये भी है कि आपका एक बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, और वो चलते चलते एकदम से बंद हो गए या आपको आपकी बिज़नेस डील्स के अंदर नुकसान होना शुरू हो रहा है, तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। इसमें जैसे आपने जो ब्रेक पे जाने से पहले भी ये सवाल किया था कि लोग आखिर में मिल कहाँ से जाते हैं और लोग आ कहाँ से जाते हैं, तो असल में इनका मार्केटिंग नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कि आपको जगह जगह पर वॉल चॉकिंग नज़र आ रही होती है कि जी आपको महबूब आपके कदमों में सारी लिखी होती है, नीचे बड़े बड़े नंबर्स लिखे होते हैं। तो इस पर तो एक तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे जैली लोगों को प्रमोट ना होने दें। अब राइट नाउ जब से सोशल मीडिया आया है तो मैं हैरान हूँ कि डिजिटल मीडिया के ऊपर इवन जो हमारे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं, दे आर पेइंग एड्स, और आपको यूट्यूब के ऊपर उनके एड नजर आ रहे हैं और एड्स के थ्रू लोग उनके पास जाना शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको इसमें एक बहुत हैरत अंगेज बात बताऊँ, खासतौर पर जो मेरी बहनें हैं उनके लिए, कि उनको अपने ईमान को बचाना चाहिए। ये वो लोग होते हैं, इनका इस्लाम क्या ईमान से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोग कुफर के आखिरी हद तक ये होते हैं, दीन और दुनिया आखिरत सब कुछ खत्म हो जाती है जो लोग जादू करवाने के लिए जाते हैं। वो जादू का उसका असर होता ही तब है जब वो शैतान को राजी करता है, और शैतान उससे बहुत ही कुफर से भी अगले दर्जे के काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हमारे पास वाक़ आता है कि किसी ने कहा कि जी आपने कुरान मजीद की आयत को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी गलीज़ चीज़ के साथ लिखना है, या कुरान मजीद को एक ऐसी जगह पर रखना उसकी बेदबी करनी है, बेरहमती करवानी है। इवन बाज़ लोग तो जादूगर बनने के लिए शैतान की तरफ से उनको टास्क मिलता है, क्योंकि शैतान उनके साथ इंट्रैक्ट करते हैं जिन्हों की सूरत में, तो वो उनसे उनके जो महरम रिश्ते हैं बहन के साथ, वालदा के साथ, इवन उनसे जना तक भी करवाते हैं, और फिर शैतान उनसे राज़ी होता है, एक बहुत बड़ा कुफर करवाते है, और फिर वो शैतान उनके साथ मदद करके जादू करवा रहा होता है। हाथ पैर कांप रहे हैं। मेरे पास, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास एक सिस्टर को के हमारा यूथ के साथ इंटरेक्ट रहता है, तो एक सिस्टर उनकी मुझे कॉल आई और वो कहने लगी कि उनकी आगे जाने वाली एक सिस्टर है तो वो इसी तरह किसी की मोहब्बत के अंदर बहुत ज़्यादा गिरफ्तार हो गई हैं, और वो आगे फिर उनके घर में उन्होंने बात की, रिश्ते की बात नहीं चली। अब वो सिस्टर जो है ना, वो इस वजह से उन्होंने इसी तरह इंटरनेट के थ्रू और गूगल के थ्रू किसी बाबा जी से रब्ता किया, और बाबा जी को कहा कि आप, बाबा जी ने कहा मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं उनके ऊपर बंदिश लगाऊँगा। तो उनके ऊपर बंदिश लगाने के लिए उन्होंने उनसे तकरीबन अराउंड 35 से 40 हज़ार रुपये लिए, और कुछ उनको कहा कि उनसे गलत किस्म के कहा कि आप जो है ना चीज़ों को करें, एंड देन आफ्टर डैट उन्होंने कहा बंदिश हो गया। बंदिश के बाद उन्होंने कहा कि मेरा अगला मरहला ये होगा, अगला काम ये होगा कि अब मैं अमल करूँगा तो अमल के ज़रिए से आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो शर्त रखी, वह शर्त ये रखी कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी उसके साथ शादी हो जाए तो आपको मेरे पास आना होगा, मेरे साथ जना करना होगा, या मुझे आपने इस तरह से कुछ चीज़ों को इंटरटेन करना होगा। तो वो मुझे उनका कहना था कि वो सिस्टर उस बंदे की मोहब्बत में इतनी पागल हुई है, तो वो उन्होंने रात 12 बजे का अल्टीमेटम दिया था उनको, तो वो कह रही थी वो एग्री हो रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही, तो आप उनको समझाएं और आप उनको बताएं कि ऐसा नहीं होता और ये चीज़ें। तो हमारी बहनें वो इन जादूगरों के जब पास जाती हैं तो बाज़ दफ़ा फिर जादूगर क्या करते हैं, क्योंकि वो तो पहले कुफर के दर्जे पर है, वो तो शैतान के दोस्त हैं और वो शैतान को राज़ी कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करते हैं बाद में, बाज़ दफ़ा फिर वो ब्लैकमेल भी करते हैं, बाज़ दफ़ा वो उनसे कुफर भी करवाते हैं, वो उनकी इज्जत को भी लूट लेते हैं, उनकी असमत को भी लूट लेते हैं। तो ये ऐसे बेरूपी हैं। मैंने भी अगर बात की जाए ना, यानी इनकी जब तक अलामत को सामने नहीं रखा जाएगा, यानी हर वो बंदा जो सीधा इस तरह किसी खातून गैर महरम पे सर पे हाथ रख दे और इसी तरह तस्वीर और इसी तरह गैर शरी चीज़ें करना शुरू कर दे, तो पक्की बात है वो आदमी रूहानी आमल अपने आप को कहे, अपने आप की करामात को जाहिर करे, अपने आप को दीनदार कहे। दीनदार वो नहीं होता जो इस तरह की चीज़ें करने वाला है। शफीक रहमान साहब, एक बल्कि मैं मिसाल यहाँ पे अपनी भी देना चाहूँगी। एक हमारी जानने वाली थी जो हमारे किसी रिश्तेदार के घर में काम करती थी, ठीक है ना, तो उनकी बेटी के लिए वो हर वक्त कहती रहती, वो बेटी ना बहुत छोटी थी उनकी, कोई मेरे ख्याल से 13-12 साल की बच्ची होगी, उसके लिए वो बार बार कहती थी कि इसके ऊपर जादू हुआ है, जादू हुआ है, कोनों में जाके खड़ी हो जाती है, दरख्त के नीचे खड़ी हो जाती है, शाम को बाल खोल के खड़ी हो जाती है, अकेले में खुद से बातें कर रही होती सहन में, क्योंकि वो गांव में रहते थे, कच्चा मकान उनका मिट्टी का जैसे बना होता है, तो वो इस तरह की शिकायतें करती थी। वो तो बार बार छुट्टी लेके चली जाती थी कि मेरी बच्ची के ऊपर ना इस तरह जादू है, इस तरह जादू है। उन्होंने किसी बाबा के पास लेके जाना शुरू कर दिया, जो जादू वाले इस तरह के बाबा, उनके पास लेके जाना शुरू हो गई, और वहाँ पर जो है ना वो बाबा कहता था कि मैं जो ना इसका जिन निकाल रहा हूँ इसके अंदर से जादू ख़त्म कर रहा हूँ, तो बस 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। तो इस तरह वो अपने कमरे में अंदर बुलाता था, और अंदर बच्ची को, माँ बाहर होती थी और बच्ची को अंदर बुला के, तो बच्ची को ना वो झाड़ुओं से, चीज़ों से मारता था, तशद्दुद करता था, वो अंदर से चीखती थी, चिल्लाती थी, बिलबिलाती थी। माँ का इसी तरह सीन चला, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, एक बार उसने ज़बरदस्ती बुलाया कि अब ये बिल्कुल ही आखिरी टाइम है तो तुम बच्ची को दूर कर रहे हो,
तो फिर उसने अपने घर वालों को बोला कि ये तो ये वो बाबा है जो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहा, मेरी बच्ची की मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ये लालची नहीं है, ढोंगी नहीं है, मेरी बच्ची बेहतरी की तरफ आ रही है। अब वो खामोशी से घर पे बैठी हुई होती है, पहले वो अकेले बातें करती थी, अब नहीं करती, वो एक कोने में बैठी रहती है। तो वो उसको आखिरी मरतबा भी उसने कहा कि मेरे पास लेकर आओ, तो लेकर वो चली गई। उसने उसको वहाँ पर कुछ खिलाने की कोशिश की उस बच्ची को, और उसने नहीं खाई, और वो नहीं खाई, वो खून की उल्टियाँ करती करती बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसके बाद उसकी बच्ची जो थी उसकी ऑन स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई। डेथ इस तरह से हुई कि वो जो बाबा था वो बच्ची के साथ गलत काम करता था, और वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी और घर वालों को पता नहीं चला था, और वो बाबा उसको ऐसी दवाएं ऐसी चीज़ें खिला रहा था किसी तरीके से कि वो जो उसकी कोख में बच्चा है, जो पेट में बच्चा है, वो मर जाए। और इस तरीके के लोग भी होते हैं। तो खुदा रहा अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सेफ रखें ऐसे लोगों से, इन ढोंगियों से, इन जादू से, बस दूर रहें। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं जादू के ऊपर। एक सवाल करना चाहूँगी, मगर उससे पहले एक स्टोरी है, स्टोरी में नरेट करूँगी तो शफीकुर्रहमान साहब आपको समझ आ जाएगी कि उनके साथ सिचुएशन क्या है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, बहुत परेशान हैं। उनके घर में क्या होता है कि ना, जब उनके भाई और भाभी वगैरह उनके घर में रहने के लिए आते हैं जहाँ पर उनकी शादी हुई है, तो वो अलग सेपरेट रहती हैं अपने बच्चों के साथ। मगर जब उनके भाई और भाभी रहने के लिए आते हैं उनके घर पर, तो उनके भाई तो अच्छे हैं, मगर भाभी क्या करती हैं, उनके कमरे के बाहर रात के 3 बजे छुप के ना, जैसे वो ऊपर के फ्लोर में रह रही हैं, वो नीचे के फ्लोर में रह रही थी, तो छुप के वो रात को 3 बजे उनके कमरे के बाहर कुर्सी रख के, तो मोटे दाने की लकड़ी की तस्बीह नहीं होती, मोटे दाने की, जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं, छोटी नहीं, जिसमें इतने गुच्छा वाले दाने ही दाने बहुत सारे, और वो मोटे दाने की लकड़ी की तस्बीह होती है, वो पड़ रही होती है। और जैसे ही वो कमरे से गलती से जैसे बाहर निकली हैं और उन्होंने देखा, तो वो डर जाती हैं, और वो उनका दरवाज़ा बंद है, वो मुँह दरवाजे की तरफ रख के पड़ रही होती है रात के 3 बजे। तो मुझे ऐसे हालात में बता दें कि वो बहुत घबराई हुई हैं, परेशान हैं, उनको लगता है कि उनके ऊपर जादू है, उनके मियाँ के ऊपर, उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, और वो भाभी करा रही हैं, तो आप प्लीज़ बताएंगे। देखें, इसका एक तो हाल ये है कि उसने जान रखे कि हो सकता है कि वो उसकी सिक्योरिटी के तौर पे पढ़ रही है। नहीं, और अगर फर्ज करें, मैं वैसे बात एक और बात भी शामिल करना दूसरी बात ये है कि एक और चीज़, वो ये भी उनको डराती है कि मैंने आज किसी चुड़ैल को मारा है, उसके निशान देखो मेरे हाथ पे है, मुझे चुड़ैल मारने आई, वो दीवार से अंदर खुद ही दाखिल हो गई, इस तरह ये सब कुछ ये होता है। हाँ, इसका हल यही है कि सही उलाकीदा बंदा हो, कुरान सुन्नत पर ईमान हो, और अल्लाह ताला पर तवक्कुल हो, नमाज़े पंजगाना पढ़े, और इसी तरह जिक्र अज़कार, और एक तस्बीह, इस तरह जिस तरह वो मैंने देखे तस्बीह निकाल ली इस वक्त ना, क्योंकि तस्बीह का तोड़ था, तस्बीह के ज़रिए मैं कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी शरीर आदमी है या शातिर आदमी है या जादूगर या हासिद है, आप ना सिर्फ इस तरह की छोटी तस्बीह ले लें और एक जुमला पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क वला हम्द युही व यमीत व वला कुल्ली शैइन कदीर, और टिक टिकी बांध के ना उसकी तरफ देखते रहें और थोड़ा सा ना होंठ हिला के इस तरह करते रहें। अच्छा। यकीन करें वो आपका घर भी छोड़ जाएगी और आपका जहान भी छोड़ जाएगी जो जादू करने वाली है। अच्छा। इन लोगों के पांव के नीचे जमीन नहीं होती। अच्छा, अब वो कह रही थी कि उन्होंने उनके भाई के ऊपर इतने तावीज़ पहनाए, उनका हाथ पांव गला पेट कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनके तावीज ना हो। हाँ, तावीज वाला अमल जिस तरह इस तरह का हो, तो उसके लिए आम सादा तरीका यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क वला हम्दु युही व यमीतु वला कुल्ली शैइन कदीर, ये सुबह 10 दफ़ा या 100 दफ़ा और शाम को 10 दफ़ा या 100 दफ़ा पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके लिए एक ऐसा लश्कर हिफाजत के लिए खड़ा कर देता है जो सुबह से शाम तक उसकी हिफाजत करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क वला हम्दु युही व यमीतु वला कुल्ली शैइन कदीर, और इसके साथ साथ दूसरा उसके शर से बचने के लिए कोई भी आदमी इस तरह का है तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम, या अल्लाह इसकी शरारतों से और इसकी हरकतों से और इसके अमलियात से मुझे महफूज फरमा, और इसको मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ, या अल्लाह ये मेरे से कुव्वत ताकत वाला तेरे से कुव्वत ताकत वाला नहीं है, तो इसके शर को इसी के ऊपर लुटा दे। और एक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिन जहदिल बलाई व दर की शिकाई व सूल कदाई व शमाता तिलादा, या अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं
खुशबख्ती की ज़िंदगी से बदबख्ती की ज़िंदगी में आऊँ। ठीक है, और आखिरी में मुझे जल्दी से बता दे कि टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, कि क्या मर्द ये जो तावीज़ में लिपटे हुए होते हैं उनकी बेगमात उनको पहना रही होती हैं, क्या उनको उस पर ईमान रखना चाहिए पहनना नहीं चाहिए? उस पर ईमान नहीं रखना चाहिए कि लेकिन हो जाता है। ऐसी औरत को चाहिए कि फातिहा आयतुल कुर्सी और चारे कुल और बाकरा रहमान पढ़ के ना या सुन के पानी एक 16 लीटर की बोतल रख ले, उस पानी पर दम करके उसके बाद उसी पानी को पिलाती भी रहे, घर में हंडिया में डाल ले और उसी तरह गुस्सल में भी वो कर ले, अल्लाह के फजल करम से खा रहा पी रहा पहन रहा है तो अल्लाह के कलाम वाला कभी भी जादू असर और नहीं कोई ऐसी चीज बता दें जिससे कभी किसी को जादू असर ही ना करे, सारे लोगों के लिए किसी भी किस्म का जादू, बस ये रीजन एक मुझे दो दुआएं, औद भी कलिमातिल्लाह तामात मिन शर्री मा खलक सुबह 3 दफ़ा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी शहीन फिल्लर्दी वलाफिस समा वहुवस समीउल अलीम सुबह 3 दफ़ा और शाम को 3 दफ़ा नमाज पंजगाना पढ़ के ये दोनों पढ़ता रहे। अच्छा दोनों सूरतें तीन दफ़ा और एक है सूरत फातिहा आयतुल कुर्सी और सूरत इखलास कुल हुवल्लाह, ये एक एक तस्वीर रोजाना कर ले, अल्लाह के फजल करम से दुनिया के शैतान भी उसको छोड़ जाएंगे। आयतुल कुर्सी फातिहा सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी और कुल हुवल्लाह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ना भूल ले। इसमें दो चीज़ें मैं भी ऐड कर देता हूँ, एक यह है कि हदीस में भी आता है कि जिस घर में 40 दिन तक सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाते और दोबारा नहीं आते। तो या तो खुद अगर पढ़ लें, नहीं तो घर में आजकल ब्लूटूथ डिवाइसेज मौजूद हैं, रोज़ाना आप सुबह जब जो होती हैं बेगमात अपने शोहरों बच्चों को भेज देती हैं तो घर में प्ले कर दें, प्ले कर दें तो 40 रोज़ तक मुसलसल उसको पढ़ें और सूरत बकरा के आखिरी दो आयत। आखिरी सवाल जो आपने पूछ लिया, तो ये जैसे अगर सूरह बकरा लोग लगा देते हैं अपने घर पर मगर दूसरे काम शाम कर रहे होते हैं उसको सुन नहीं पाते तरीके से, तो क्या उसका भी असर होगा अगर सुन नहीं पाते, कहीं से गैप हो जाता है बीच में मिस हो जाती है? फिर असर तो होगा, उसका असर तो होगा, बेहतर यह है कि उसको बैठ के सुना भी जाए और खासतौर पर आप काम के दौरान भी उसको सुन सकते हैं, आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए, साथ आपने घर में कुछ सफाई करनी है, कुछ खाना वगैरह पकाना है। वैसे भी उबैद भाई पता है क्या, अगर आप दो काम है, अगर कुरान मजीद लगाया जाए, हमारे यहाँ कहा जाता है बेअदबी या इस तरह की बात नहीं है, ये कुरान मजीद जब लगाया जाए आप नहीं सुनेंगे तो दरो दीवार से जिन्नात जादूगर और निकल जाएंगे, आप सुनेंगे तो आपके अंदर से भी निकल जाएंगे, गोया के घर में भी शैतान नहीं रहेंगे और आप में भी शैतान नहीं रहेंगे। अल्लाह रहमत फरमाए। रात को सोते हुए सूरह बकरा के आखिरी दो आयत पढ़ के सोएं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच बहुत तफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत रहनुमाई की और बस यही है कि आज का शो हमारा ये जो जादू के ऊपर था, खुदा रा किसी के ऊपर जादू ना कीजिए ना कराइए और ना इसके ऊपर कोई ईमान रखिए, लोगों की जान, लोगों की ज़िंदगी, लोगों की इज्जत, लोगों के बच्चे, लोगों के माल, इस पर जादू कराना कुफर है। ये भी हमारे आलम दीन जो है उन्होंने आपको बता दिया, ये कुफर है, इसकी माफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कब्र आपको उठा के फेंक देगी इस तरह की हरकत पे। खुदा रा खौफ करें और ऐसे कामों से परहेज़ करें। शुक्रिया, आपसे मुलाकात करते हैं कल।